एक और नई ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च हो चुकी है नॉइस ब्रांड की तरफ से, दैट इज नॉइस कलरफिट लूप स्मार्ट वॉच। इसका लॉन्च प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज, प्राइसिंग इसके बढ़ के 3000 रुपीज के आसपास हो जाएंगे। और यहां पर आपको मिलने वाला है बहुत सारे फीचर्स भर भर के स्मार्ट वॉच में। बड़ा आपको 1.85 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, सिंगल चिपसेट ब्लूटूथ कॉलिंग यूज की गई है, डिस्कनेक्शन का इशू आपको फेस नहीं होने वाला है। हम एक एक प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग चेक करेंगे स्मार्ट वॉच के बारे में, सारी टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप सब देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको नॉइस कलरफिट लूप स्मार्ट वॉच का ऐसा डिसेंट सा बॉक्स मिलेगा। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल और ब्रांड की तरफ से स्टिकर्स, साथ ही में एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी जिसकी लेंथ यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाली है, इसको लेके कोई इशू नहीं लगा। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। फिजिकल ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको 20 mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, अच्छी क्वालिटी मेंटेन की गई है। साइड में इसको आप प्रेस करके स्ट्रैप्स को डिटैच भी कर सकते हैं। एंड वॉच के बैक साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और बिल्ट इन स्पीकर मिलने वाला है कॉलिंग पर्पज के लिए, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे। अब पूरी यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ट मिलने वाली है, लेकिन टफनेस यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटा आपको डायल मिल जाएगा, एक मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाला है। सो मेनली आपको एक अच्छे लुक एंड फील की आप बोल सकते हैं, अगर आपके हाथ का साइज कैसा भी है, अगर आपको बड़े डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच चाहिए, लुक एंड फील से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। फ्रंट में आपको 1.85 इंच का TFT LCD डिस्प्ले मिलेगा 2.5D कर्व ग्लास के साथ, व्यूइंग एंगल्स काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाले हैं, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है, आप देख सकते हैं काफी आपको यहाँ पे स्मूथ UI मिल जाएगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, ऐसा मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ, इसको आप आराम से स्मूथ तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, UI काफी इंप्रेसिव दिया गया है। स्क्रीन से यहाँ से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा शॉर्टकट नोटिफिकेशन का, यहाँ से आप मैसेज रीड कर सकते हैं, पूरा मैसेज आप रीड कर सकते हैं स्क्रॉल करके, प्रॉपर आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना हमारे चैनल को, थैंक यू। एंड जो साइड में बटन दिया गया, अगर आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो ये आपको बैक साइड पे लेके जाएगा। स्वाइप अप करेंगे स्क्रीन से तो आपको मिल जाएगा शॉर्टकट्स, यहाँ पे आपको साइलेंट मोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, टैप टैप करके आप ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आउटडोर कंडीशन में यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने बिल्कुल फुल कर दी है, यहाँ पे आपको एडिक्वेट ब्राइटनेस मिलने वाली है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस नहीं लगी। सनलाइट में अगर आप यूज करते तो आप मैनेजेबल तरीके से यूज तो कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बेटरमेंट देनी चाहिए आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बैटरी सेविंग का ऑप्शन, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन। रिंगटोन वाइब्रेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइलेंट मोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वाइब्रेशन में आप जाएंगे आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वीक चाहिए, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ से। और साथ ही में जो रिस्ट वेक का फीचर दिया गया, आपको जो रिस्ट वेक फीचर है 24/7 एक्टिवेट रखना है, या कुछ ड्यूरेशन के लिए एक्टिवेट करना है या बंद करना है कर सकते हैं। एंड जो वेक टू रिस्ट फीचर है अच्छे तरीके से वर्क करता है, इसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। जब भी आप प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वॉच को ओपन करेंगे आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाएगी, सही तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम दिया गया, मैक्सिमम आपको 30 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम दिया गया है, मिनिमम 5 सेकंड्स के लिए आप स्क्रीन ऑन टाइम रख सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाएगा। मेन्यू व्यू में आपको ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू मिलने वाला है, कौन सा आपका मेन्यू स्टाइल चाहिए सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, जैसे इसको ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी स्मार्ट वॉच आप रनिंग कर रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको ट्रैकआउट करके प्रॉपर एक्टिविटीज भी ट्रैकआउट दिखा देगा आपको। एंड यहाँ पर आपको अबाउट कॉल्स का ऑप्शन, डिवाइस इन्फो, QR कोड दिया गया, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, रिबूट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स पार्ट में ही। एंड अगर आप मेन स्क्रीन पे जाएंगे, अगर स्क्रीन से स्वाइप राइट या लेफ्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, साथ ही में आपको ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सब आपको चीजें मिलने वाली अगर आप स्क्रीन से स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो। एंड जो साइड में बटन दिया गया, अगर आप उसको सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की आप एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पर आपको मिलने वाला है नॉइस हेल्थ एप्लीकेशन का सपोर्ट। इसमें आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड्स ट्रैक करने का ऑप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, नॉइस बस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको कॉलिंग का फीचर दिया गया है, कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे स्मार्ट वॉच के थ्रू। क्लॉक में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलार्म्स का ऑप्शन, टाइमर सेट कर सकते हैं, स्टॉपवॉच, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा,
वर्कआउट्स में यहाँ पे आपको 130 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं। अदर स्पोर्ट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में आपको यहाँ पे एक्टिविटीज मिलने वाली है, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं आप यूटिलाइज कर पाएंगे यहाँ से। अब हम कुछ सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स चलेंगे, लगभग यहाँ पे मैं घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली 41 स्टेप्स चल के आया हूँ। यानी अगर हम स्मार्ट वॉच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 41 स्टेप्स के आसपास ही काफी आपको एक्यूरेसी मिलने वाली स्टेप काउंटिंग को लेकर भी। साथ ही में आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा सिंपल स्टेप से। जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे तो फोन का म्यूजिक आप प्ले पॉज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। यहाँ से आप ट्रैक्स चेंज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं एंड स्मार्टफोन के आप डायरेक्टली वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। सही तरीके से एप्लीकेशन वर्क करता है। वेदर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा प्रॉपर डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट भी मिलने वाला है, इसको लेकर भी मुझे कोई इशू नहीं लगा। और साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ पे वॉच फेस कुछ बिल्ट इन, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो, यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट से कौन सी आपको स्टॉक्स की एक्टिविटी चेकआउट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया, इसको आप टैप टैप करके अगर चाहे तो अंधेरे में भी कभी कभी यूटिलाइज कर सकते हैं। और कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दिया गया, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, कैलकुलेटर होना चाहिए स्मार्ट वॉच में, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। और सेटिंग्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहाँ पे आपको काफी हद तक एक्यूरेसी मिलने वाली हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेके, और ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच में और इंस्ट्रूमेंट किट में, दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखा रहा है। और इसमें आपको मिलने वाला है स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, आपका स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल है कि ज्यादा है, अपने हिसाब से इसको भी आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी का कॉल आएगा तो ऐसा आपको डिस्प्ले मिल जाएगा प्रॉपर नाम के साथ, रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को, एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी दिया गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही में यहाँ पे आपको साइलेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अब आप लीजिए ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बेबी को भी स्कूल से लेकर आई हूँ। अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना नॉइस कलरफिट लूप स्मार्ट वॉच आई है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। मैं डायरेक्टली स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है? आवाज तो क्लियर है और लाउडनेस भी अच्छी खासी है। ऐसा कोई डिस्टॉर्शन या फिर कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब ऐसे, मतलब क्लैरिटी है आवाज में बिल्कुल? हाँ, आवाज क्लियर है और लाउडनेस भी अच्छी है, और कोई भी मतलब बैकग्राउंड की नॉइज भी ऐसा कुछ ऐसा जा नहीं रही है मुझे अभी। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हम बाय बाय। एंड कॉल के टाइम पे आप स्पीकर की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम पे ही। और इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट फीचर मिलने वाला है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं, वर्कआउट्स करते हैं स्वेट आता कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनली मैं बोलूंगा इसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर मिलने वाला है, अंडर वाटर लेना अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नॉइस फेड एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा सिंपल स्टेप से, आप जैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, फ्रंट में आपने जितनी भी एक्टिविटीज की दिन भर में अपने सेंसर्स पार्ट को लेकर आप प्रॉपर तरीके से आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। माई डिवाइस में जाएंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा स्मार्ट वॉच की, एंड इस पर अगर आप टैप करेंगे तो अपनी वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं, टाइमली अपडेट्स भी आते रहते हैं, अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को। और इसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल आप बोल सकते हैं अच्छी क्वालिटी आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे क्रिएट न्यू पे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ही मिल जाएगा, कैसे आपको यहाँ पे फोन चाहिए, आपको फोन में जो स्टोर है पिक्चर उसको वॉच फेस की तरह लगाना या कैमरा से पिक ले सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेकर। और नोटिफिकेशन में आप जाएंगे एक्जैक्टली यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में कौन से एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। और इसमें आपको SMS अलर्ट्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट्स भी मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है यहाँ से आप कर पाएंगे डायरेक्टली। एंड साथ ही में जो हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, रैपिड आई मूवमेंट, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हैंड वॉश रिमाइंडर, आइडल अलर्ट्स, मल्टीपल यहाँ पे आपको सेंसर्स दिए गए, अपने हिसाब से इनको भी यूटिलाइज कर पाएंगे आप सेट करके। और माय कॉन्टैक्ट्स में आप 10 डिफरेंट अपने फेवरेट जो भी कॉन्टैक्ट्स है एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप सेव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स भी। क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बिल्ट इन 5 क्विक रिप्लाइज दिए गए, अगर आप चाहे तो उनका एडिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक रिप्लाइज को भी, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही में आपको वेदर सेटिंग्स मिल जाएंगी, स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपको स्टॉक्स की एक्टिविटी चेक करनी है वो भी आप कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। और यहाँ पर आपको कैमरा शटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि इस एप्लीकेशन के साथ ही सिंपली वर्क करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्ट वॉच को शेक करते हैं, टैप करते हैं, इस एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक ले ली जाएगी, इस एप्लीकेशन के साथ ही सिंपली ये वाला फीचर वर्क करता है। और डिवाइस सेटिंग्स में आपको एक्जैक्टली कैसा फॉर्मेट चाहिए, 12 आवर्स का चाहिए, 24 आवर्स का चाहिए, सो मल्टीपल यहाँ पे आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कनेक्ट करके स्मार्ट वॉच से सब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख ली होगी सारी डिटेलिंग, सारी टेस्टिंग देख ली होगी स्मार्ट वॉच के बारे में। यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई करती है, मेनली जिसका ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है, माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों परफेक्ट दिए गए हैं, खासकर को स्पीकर की लाउडनेस है आपको बढ़िया मिलने वाली है।
दूसरी स्मार्ट वॉचेस में क्या होता है ना कि स्पीकर लाउडनेस बहुत कम रहती है, तो आपको बहुत पास रख के आप बिल्कुल शांति वाले एनवायरमेंट में बैठ के ब्लूटूथ कॉलिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से कॉलिंग कर पाएंगे। लेकिन इसका स्पीकर बहुत ही लाउड दिया गया, अगर आप बिल्कुल आराम से घर के अंदर भी बैठे हैं, बालकनी में भी है, छत पे भी है, तो आराम से ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाएंगे। स्पीकर बढ़िया दिया गया है, सामने वाला आपको फोकस से सुन पाएगा स्मार्ट वॉच के थ्रू। ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा, इसमें आपको बढ़िया ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मिल जाएगा। और जो स्मूथनेस दी गई है, जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, सही तरीके से वर्क करता है, मुझे ऐसा कोई लैग फील नहीं हुआ। बस जो आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस है, मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत एनहेंसमेंट देनी चाहिए थी, आप मैनेजेबल तरीके से यूज कर पाएंगे सनलाइट के अंडर, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरे हिसाब से एनहेंसमेंट देनी चाहिए थी आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर। और सेंसर्स भी आपको काफी तक एक्यूरेट मिलने वाले हैं, भले जो हेल्थ सेंसर्स हो गए, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, साथ ही में स्टेप काउंटिंग है, काफी आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है अगर आप बिल्कुल टाइटली हाथ में पहनेंगे स्मार्ट वॉच को। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं सेंसर्स को यूटिलाइज करते हो, तो आपको डेफिनेटली काफी एक्यूरेसी मिल जाएगी, उसको भी लेकर काफी तक इंप्रेस हूं मैं स्मार्ट वॉच के थ्रू। और अगर हम बात करेंगे इसकी बैटरी बैकअप की, इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है, बिल्कुल अगर आप हार्ड कोर यूसेज करते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग का, अगर आप ज्यादा ब्लूटूथ कॉलिंग करते हो, लगभग आप बोल सकते हैं 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिलेगा स्मार्ट वॉच के थ्रू। अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग बिल्कुल कम यूज करते हैं, नॉर्मल यूसेज करते हैं, हार्ड कोर अगर आप हैवी यूसेज करते हैं स्मार्ट वॉच का ब्लूटूथ कॉलिंग के बिना, तो आपको अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। अगर आप मिक्स यूसेज करते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग भी करते हैं, हैवी यूसेज भी करते हैं, मतलब एडिकेट यूसेज करते हैं, 3 से 4 दिन के आसपास आप बोल सकते हैं बैटरी लाइफ मिल जाएगा स्मार्ट वॉच के थ्रू। ब्लूटूथ कॉलिंग के हिसाब से एडिकेट आपको बैटरी लाइफ भी मिलने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से आप देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल ये जस्टिफाई करती है, लुक एंड फील आपको काफी इंप्रेसिव मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बढ़िया ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलने वाला है, सेंसर भी सही तरीके से वर्क करते हैं। मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं इसके बारे में, अब आप डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं। सारे के सारे लिंक्स भी दे दिए हैं लगे हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको कुछ भी अभी भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द नॉइस कलरफिट लूप स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।